फिर एक बार आईबीपी बाजार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं बीके सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने ओरवॉइस यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, फिर आज हम पहुंच गए हैं आईबीपी बाजार पटना, और फिर मुलाकात कराते हैं चंदन जी से। उनसे पूछते हैं कि आज किस चीज़ का वीडियो है और क्या दिखाने जा रहे हैं हमारे व्यूवर्स के लिए, उनके लिए नए रोजगार का अवसर क्या मिलने वाला है। तो चंदन जी, नमस्कार। देखिए सर, जैसा कि सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि फिर से दोबारा से लॉकडाउन का सिलसिला स्टार्ट हो गया जी। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या है कि जो लोग अगर बाहर हैं या फिर कहीं से भी मेरा आपका ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो अपना खुद का रोजगार स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी कम लागत पे। मात्र यहाँ से 2500 रुपये लगा के वो अपना खुद का रोजगार स्टार्ट करके और अच्छा से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और आज जो वीडियो बनने जा रहा है वो जीन्स का वीडियो होने वाला है, और जो हम आपके व्यूअर को जीन्स देंगे वो 50 रुपये का जीन्स होगा। 50 रुपये का जीन्स का वीडियो है, तो आप समझ सकते हैं कि इतना रेट क्यों कम है और क्या आप बेनिफिट मिलने वाला है, कितने में आप बेचेंगे, पूरा जानकारी फिर से लेते हैं चंदन जी से। तो आगे कुछ बताइए कि कैसे बिकेगा और आप इतना सस्ता कैसे दे रहे हैं। अभी तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे इस जगह पे वीडियो शूट कराने का यही मतलब बनता है कि सबसे पहले हम दिखाना चाहते हैं कस्टमर को कि क्या हम उनको प्रोडक्ट देंगे, ठीक है? और उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट क्या रहेगा वो भी बताएंगे और दिखाएंगे। और अभी जो जैसे कि किस टाइप का माल होता है, उसको हम लोग किस टाइप से तैयार करते हैं, तो एक एक अगर आपके वीडियो में बने रहेंगे तो हम उनको एक एक प्रोसेस करके मतलब दिखाएंगे कि किस टाइप से मेरे यहाँ पे काम होता है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप यहां से स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं, चाहे लॉकडाउन हो चाहे लॉकडाउन ना हो, हर समय चलने वाला व्यापार है। चलिए दिखाते हैं हम आपको आगे का कार्रवाई। तो सबसे पहले तो ये दिखाना चाहेंगे कि देखिए, जब भी मतलब मेरे पास जो माल आता है, इस टाइप का माल होता है जो हम लोग तैयार करते हैं, तैयार करने से पहले इस टाइप का माल होता है, ठीक है? अच्छा। अभी इस पर कोई भी काम नहीं किया गया है, सारा काम इस पर होना है, ठीक है? आप जितना भी ऊपर में ये सब जो स्टॉक देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, इस सब पे कोई काम हुआ नहीं है, ठीक है? अच्छा। या फिर जो पसारा हुआ देख रहे हैं, सिर्फ उस पे वॉशिंग हुआ है और अभी डाई होना बाकी है। और सबसे पहले तो कस्टमर को ये बताना चाहते हैं कि मेरे यहाँ पे जो कलर होता है वो पक्का में कलर होता है। तो पक्का में कलर का मतलब यही होता है कि जो व्यूअर से कस्टमर खरीद के ले जाएगा, वो अगर कपड़ा को धोएगा तो उसमें से कलर नहीं निकलेगा। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद बाकी अब बाकी जो है, आप वहाँ पे चलिए और बाकी चीज़ दिखाते हैं कि कैसे माल तैयार होता है एक बार, जो जैसे ये सब चीज़ आप दिखा सकते हैं कि कैसे कलर होता है। अच्छा, दूसरा एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा कि ये सब पुराना जीन्स है, ये कहाँ से आया हुआ है? ये सब जहाँ पे पानी का किल्लत होता है वहाँ से आता है, सारा दूसरे कंट्री का माल होता है, उसको इसको हम लोग सरप्लस बोलते हैं और इसको हम लोग दोबारा से तैयार करते हैं। तो गाइस, ये ध्यान रखना है आपको, ये नया जीन्स नहीं है, ये पुराना जीन्स है। वो जीन्स है जहाँ पे पानी की किल्लत है, लोगों ने पहना, उसको यूज एंड थ्रो की तरह उसको साइड कर दिया, उसके बाद कंपनियाँ बाहर से इंपोर्ट कराती है, उसके बाद ये लाते हैं, उसको फिर सारा डिजाइनिंग और सारा मेकिंग एक बार फिर से करते हैं, स्टिचिंग वगैरह पूरा सिस्टम में लाते हैं, उसके बाद यहाँ से बिकता है। तो नया शर्ट या नया पैंट समझ के आप इसको परचेस नहीं करिएगा, क्योंकि नहीं तो आगे शिकायत कि आप बोलेंगे कि हम तो पैसा दिए थे, हमको वो चीज़ नहीं मिला। तो ये आपको बता दूँ, सरप्लस का है, लेकिन इसमें कमी कोई नहीं है, सारा स्टिचिंग, सारा रिपेयरिंग और प्रेस वगैरह सारा कुछ इसके ऊपर हुआ मिलेगा आपको। तो चलिए गाइस, आगे देखते हैं इनका कैसे इसका सारा प्रोसेस है, आगे हम आपको दिखाते हैं। तो अभी क्या दिखाने वाले हैं? सबसे पहले तो हम कस्टमर को मतलब ये बताना चाहते हैं कि बहुत लोगों का कमेंट होता है कि वीडियो में आप खोल खोल के पीस नहीं दिखाते हैं, तो सबसे पहले तो 5-6 पीस 7 पीस ऐसा दिखाना चाहते हैं ताकि उनको वीडियो में भी हल्का फुल्का पता चले। और जो लोग मतलब मान लीजिए जैसे इस पीस को अगर हम दिखाते हैं तो लगभग मिला जुला के मान के चलिए कि जैसे देखिए इस टाइप का पीस होने वाला है। अच्छा, ठीक है, इस टाइप का पीस रहेगा। वीडियो में दिखाने का मतलब यही है खोल खोल के, ताकि कस्टमर को पता चले कि किस टाइप का पीस होने वाला है। देखिए इस टाइप का पीस रहेगा, ठीक है, और ये जो भी पीस है सब 50 रुपये का पीस है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी का रेट कुछ और है, किसी का रेट कुछ और है, जो भी पीस है सब 50 रुपये का पीस है। तो गाइस देखिए, इसका कलर जो है बिल्कुल, अब ये तो बनने के बाद बिल्कुल नए की तरह लग रहा है, इसको कोई बोल नहीं सकता है कि ये पुराना है या सरप्लस का माल है। ये देखिए इन जींसों को, कोई भी सरकार कोई भी बोलते रहे कि बहुत ज़्यादा बिकता है मार्केट में, 100 रुपये के सेल, 100 रुपये में आराम से सेल होता है। ऐसा नहीं है कि 50 का आइटम है तो हम आपको बोलेंगे कि 500 में बिकेगा, 100 रुपये में बिकता है। और एक दिन में एक आदमी कम से कम कोई भी अपना काउंटर लगाते हैं तो 40 पीस 30 पीस दिन का आराम से वो बेच सकते हैं। देखिए इस टाइप का 3 कलर बोले हैं, तीनों कलर में माल मिल जाएगा, ब्लैक, ब्लू और नेवी ब्लू।
और इसके बाद पैकिंग किस टाइप का रहेगा ये तो अभी हम सैंपल दिखा रहे हैं, और पैकिंग भी आपको दिखाते हैं कि किस टाइप का माल पैक रहेगा और कैसे आपको मिलेगा। देखिए इस टाइप का माल जो है आपके सामने प्रोसेस में इस टाइप से पैक होता है, 6 पीस का बंडल मिलेगा आपको जो साइज़ का रिक्वायरमेंट होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास 24 नंबर से लेकर 40 नंबर तक बनता है, लेकिन आपको जो साइज़ का रिक्वायरमेंट होगा आप वही साइज़ ऑर्डर कीजिएगा और आपको वही साइज़ जाएगा। ठीक है, देखिए इस टाइप से व्यू आप अपने व्यूअर को इस टाइप से दिखा सकते हैं। देखिए इस टाइप से माल जो है इस टाइप से उनको ऐसे बंडल होके 6 पीस का बंडल होके ऐसे करके उनको माल जाएगा। ये देखिए इस टाइप का थोड़ा सा बंडल हम चाहेंगे कि दिखा दीजिए उसको, एक दो बंडल और दीजिएगा। देखिए इस टाइप से 6 पीस का बंडल कस्टमर के पास जाएगा, और जो कस्टमर यहाँ विजिट कर, बहुत लोगों के मन में ये भी चल रहा होगा कि मान लीजिए कि हम आके लेना चाहते हैं तो मेरे पास एक और सुविधा है, अगर कोई कस्टमर आते हैं ठीक है तो वो यहाँ पे रुक के, सबसे पहले तो रुकने का सुविधा है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी आते हैं बाहर से और वो मतलब सोचते हैं कि मतलब हम इधर उधर ना रह के फैक्ट्री में ही रहें, तो हम लोग रहने का भी सुविधा प्रोवाइड कराते हैं, रहने का खाने का सुविधा प्रोवाइड कराते हैं, और उसके बाद वो यहाँ पे टाइम दे के अपने हिसाब से जो उनको लगता है कि हाँ ये मेरा माल बिक जाएगा, ये बिकने वाला है, ये नहीं बिकने वाला है, तो उस टाइप से आप वो यहाँ पे आके छाट के लेके जा सकते हैं। अच्छा, ये दूसरा एक चीज़ और पूछना था कि ये जो आपका जीन्स का पैकेजिंग है काफ़ी खूबसूरत है, तो इसके अंदर स्टिकर हो गया, ये डेनिम लिखा हो गया, ये सब आप लोग यहाँ पे लिखवाते लगवाते हैं? हाँ, जो भी टैगिंग है ये सब है पैकिंग के टाइम पे, और वो मतलब सिलाई के टाइम पे ही लग जाता है। अच्छा, तो गाइस यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये जीन्स जब बनने के बाद इसको कोई भी आप बता नहीं सकता कि पुराना जीन्स है, सारा सिस्टमेटिक इन्होंने किया हुआ है, पैकेजिंग भी इसका है, सारा स्टिकर है, सारा कुछ एकदम बिल्कुल नए जीन्स की तरह इन्होंने इसको बनाया हुआ है। और जो सबसे दोबारा इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए बहुत लोगों का होगा कि हम ऑर्डर करेंगे क्या आएगा नहीं आएगा, तो हम सबसे अच्छा कस्टमर को बोलते हैं कि आप आ जाइए मेरे पास, और एक बार आके जो कहीं अगर बाहर आप जाना चाह रहे हैं, कहीं दूसरे जगह माल देखना चाह रहे हैं, तो एक बार आप आके कंपनी विजिट कीजिए और आपको जो आइटम समझ में आएगा वो आइटम आप छाट के लेके जा सकते हैं। और कंपनी का जैसे कि डिस्क्रिप्शन में तो एड्रेस मिल ही जाएगा, और जो मेरा कंपनी का एड्रेस होने वाला है वो आपका खेमनी चक फोर्ड हॉस्पिटल है, उसी के पीछे मेरा फैक्ट्री है जो कि बस स्टैंड से भी 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और रेलवे स्टेशन जो पटना जंक्शन है उससे भी 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, दोनों जगह से ऑटो मिलता है। अच्छा, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं इनकी अबिलिटी देखना तो इनका माल ऑल ओवर इंडिया में जाता है, और आई बटन पर क्लिक करके 35 रुपये का शर्ट वाला वीडियो है उसके अंदर हमने सारा बिल्टी भी अपलोड किया हुआ है, वहां से आप जाके उस बिल्टी को चेक कर सकते हैं, सब जगह इनका माल जाता है। दूसरा चीज बता रहे हैं कि ये 50 रुपये का जीन्स है, पटना में है, 3.5 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है बस स्टैंड बैरिया, और उतना ही दूर है रेलवे स्टेशन पटना, तो हर जगह से नज़दीकी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप विजिट करके लेना चाहते हैं तो आप विजिट करके आप ले सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट आपके पास तक पहुंचे तो आप इनके अकाउंट में पेमेंट करिएगा, पेमेंट करने के बाद कितने दिन में पहुंच जाएगा? 2 दिन में यहां से हम माल डिस्पैच करेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर होता है तो हम 2 दिन का टाइम लेते हैं, 2 दिन में उनका माल डिस्पैच करेंगे। अगर मान लीजिए सब जगह का अलग अलग, जैसे मान लीजिए यूपी साइड के हैं तो वहाँ पर 4 दिन में पहुँच जाता है, अगर मान लीजिए गुजरात साइड मतलब गुजरात हो गए तो वहाँ पर 6-7 दिन लग जाता है, तेलंगाना में भी 6-7 दिन लग जाता है। अच्छा, तो ऑन एन एवरेज 1 हफ्ते के अंदर आज अगर आप पेमेंट करते हैं, ऑर्डर लगाते हैं, तो विद इन अ वीक आपके पास इनका मटेरियल पहुंच जाएगा, और आप इसको लगभग डबल रेट में इसको सेल कर सकते हैं। अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और लेते हैं कुछ और जानकारी। हाँ, बहुत लोगों का कमेंट ये भी होता है कि मेरा कॉल नहीं उठता है, मेरा कॉल नहीं उठता है, तो सबसे पहले तो ये बताना चाहते हैं कि जो मेरा कॉलिंग का टाइम होगा वो 9 बजे से 6 बजे तक होगा, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक वो कॉल करेंगे तो उनका कॉल का रिस्पॉन्स लिया जाएगा या फिर उनको कॉल बैक किया जाएगा। अगर मान लीजिए उसके बाद वो कॉल करते हैं तो कॉल ना करके SMS में ये व्हाट्सअप मैसेज कर दें, उसका रिप्लाई उनको 24 घंटे के अंदर दे दिया जाएगा। 6 बजे से 9 बजे तक? नहीं, सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक। सुबह 9 बजे से 6 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं, इनके अकाउंट में पेमेंट करके अपना जो भी परचेसिंग करना है परचेसिंग अमाउंट डाल के, और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो होगा वो आपके जो स्टेशन होगा या आपका जो प्लेस होगा वहाँ पे पहुँचने के बाद देना है, यानी कि आपको टोटल कपड़े का पैसा यहाँ देना है, ट्रांसपोर्टेशन देना है आपको वहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इसी तरह के बिजनेस रिलेटेड वीडियो हम लगातार लाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको करिएगा लाइक, शेयर भी करिएगा चैनल को, और सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।